दल खालसा वालों 1 जून कढ़े जा रहे घल्लूघारा यादगारी मार्च से पंजाब सरकार ने रोक ला दी है। पार्टी के बुलारे कंवरपाल सिंह ने दसिया कि केंद्र सरकार वालों 7 तरीक तक धार्मिक स्थान ना खुलन ते अते गृह मंत्री दियां लॉकडाउन हिदायतों आधार बना के अमृतसर प्रशासन ने दल खालसा के मार्च से रोक ला दी है, जिसका उन्होंने बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि मार्च में घट तो घट गिनती अते शरीरिक दूरी बना के चलन बारे सरकार नूं लिखा सी, पर केंद्र दियां हदायतां अनुसार मार्च लई इजाजत देण तों मना कर दिता है। उन्होंने कहा कि हुण मार्च ते लगी पाबंदी तों बाद पार्टी ने फैसला किया है कि शहीदां नूं याद कर ले दल खालसा दफ्तर तों 5 जून नूं केवल 5 सिंह ही श्री दरबार साहिब तक पैदल जाएंगे ते शहीदां नूं याद करदिआं अरदास करनगे। उन्होंने कहा कि 6 जून नूं अमृतसर बंद का सद्दा भी दिता गया है। सर की नोटिफिकेशन आई है हुण हजे तक तुहानू मार्च नूं लैके की हजे तक नोटिफिकेशन मिली है जी? दल खालसा वालों 5 जून नूं घल्लूघारा यादगारी मार्च कढ़िया जाना सी। प्रशासन ने साडे कोल साडे प्रोग्राम की रूपरेखा लिखती तौर पर लई सी। साडे उस एप्लीकेशन के जवाब के लिखती तौर पर प्रशासन ने सानू जिहड़ा जवाब भेजे उन्होंने परमिशन डिनाई की है, साडे मार्च के उत्ते रोक लगाई है और उन्होंने रोक लगाउण दे जिहड़ा कारण है वह यह दिता है कि गृह मंत्रालय ने जेडे लॉकडाउन 5 गाइडलाइनस दित्तियां ने उहदे विच किसी भी प्रकार की राजनीतिक धार्मिक कल्चरल गैदरिंग्स की मनाई की है, जड़ियाँ प्रोहिबिटिड एक्टिविटीज़ ने उहदे विच साडा मार्च उन्हां दे अनुसार उस प्रोहिबिटिड एक्टिविटीज़ दे विच साडा मार्च फॉल करदा है। उन्होंने कहा कि तुहानूं परमिशन नहीं दित्ती जा सकती। दूसरी गल है कि 7 जून शाम तक सारे धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, सो तुसी अकाल तख्त साहब ते नहीं जा सकते। तीसरी गल जी उन्होंने कही है कि 144 लगी हुई है। 144 का जवाब तो यह है कि यह एक बेलोड़ी गल उन्होंने सिर्फ ऐड ही की है। प्रशासन को डिस्क्रिशनरी पावरस होंदियां ने स्पैशल परमिशन देन दियां। जितों तक गल हैगी है कि महामारी की वो असी पहला ही मान के चले हैं और असी अपने जिहड़ा असी अपनी एप्लीकेशन दित्ती सी उहदे विच भी असी बड़ा स्पष्ट किया सीगा कि महामारी का दौर है। असी समझते हैं लोगों दी जानां जा रही ने, असी लोगों के हैल्थ बारे चिंतित हाँ, सुचेत हाँ। असी जिहड़ा एक शरीरक दूरी बनाने का नियम है उन्हों कायम रखांगे और गिनती बहुत ही घट सिंघां दी असी मार्च में शामिल करवावांगे और असी इस गल का उन्हां नूं लिखती भी किया सी ते असी अखबारी तौर पर ऐलान भी किया सी, लेकिन उन्होंने साड़ी इस सारी गल नूं साड़ी प्ली नूं मन्निया ही नहीं, दरकिनार कर दिता और नाल ही कह दिता कि जिहड़े धार्मिक स्थान ने 7 तरीक शाम तक बंद ने। सो जिहड़ा फैसला धार्मिक स्थानां नूं 7 तरीक तक बंद करन दा लिया सानूं उहदे ते इतराज़ है, बहुत वड्डा इतराज़ है। वह जिहड़ी रोक है वह 5 शाम नूं भी चुकी जा सकती सी, सरकार ये फैसला कर सकती सी कि 5 शाम तक बंद रहेंगे उस तो बाद खोल दिते जाएंगे या 4 शाम तक बंद रहेंगे। 7 शाम तक बंद ही क्यों? कि करोना नूं हर दिन फर्क पैंदा है कि 5 नूं करोना होर होएगा तो 8 नूं करोना होर होएगा। कि देखो असी बड़े स्पष्ट तौर पर यह समझते हाँ कि 6 दी गैदरिंग नूं रोकन लई ना होन देन लई ही धार्मिक स्थानां दी जिहड़ी खुल्लन दी तरीक है वह 7 मिति गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े अकाल तख्त साहब के जथेदार ने श्रोमणी कमेटी वालों अपॉइंट किए उन्हां नूं इहदा नोटिस लैना चाहीदा सी। 24 घंटे विच कोई फर्क नहीं पै जांदा, करोना ने 6 तरीक भी उही रहना 7 तरीक भी उही रहना। सो असी समझते हाँ ठीक है बहुत वड्डी गैदरिंग नहीं चाहिए, असी भी मानते हाँ कि लोगों लोग आप भी सुचेत ने तो लोगों अपनी हैल्थ बारे सुचेत होना भी चाहिए और असी भी इस चीज़ जिम्मेवारी समझते हाँ। जिते 2000-3000 की गैदरिंग होंगी उत्थे 200-300 की गैदरिंग भी की जा सकती सी और गैदरिंग घटा के सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन रख के प्रोग्राम किया जा सकता सी, पर हुण की होएगा 6 तरीक न धार्मिक स्थान बंद ने
ज्ञानी हरप्रीत सिंह कल ही श्रोमणी कमेटी के प्रधान के मुलाजम उन्होंने नाल बैठ के अकाल तख्त साहब से प्रोग्राम करेंगे। बाकी सिंह जिहड़े जाणगे उन्होंने रस्ते च रोकया जाएगा, घरां च रोक लिया जाएगा, रात को फड़ लिया जाएगा और उन्होंने खज्जल खुआरी होएगी। ये गल्लां नहीं होनियां चाहीदियां सी। जे लीडरशिप सुचज्जी होवे, दूर दृष्टि वाली होवे, तो उन्होंने इन्हां चीज़ों का हल कढ लेना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बारी ज्ञानी हरप्रीत सिंह दीआं सेवावां लईआं ने। ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं सेवावां लै सकदे सी। नोटिफिकेशन जदों होण जा रहा सी उस तों पहलां ही ये गल उत्थों तक पहुँचती कर दित्ती जांदी कि 6 जून नूं धार्मिक स्थान बंद नहीं रहणगे, खोले जाण क्योंकि उस दिन समागम हुंदा। और ये कोई गल नहीं है, ये कोई रीजनिंग नहीं है साढ़े सामने रखी जाती है कि ये नोटिफिकेशन सारे देश लई है, सारे धर्मां लई है, बाकी किसी धर्म का प्रोग्राम कोई एक दिन पहला नहीं हो जा रहा। हाँ, दिनों का फर्क हुंदा, ईद 10 दिन पहला सी, 10 दिन का फर्क है, हुण इत्थे सिर्फ 24 घंटे का फर्क है। सो 24 घंटे के फर्क नूं ही असी फर्क समझते हैं और इस फर्क नूं पाउण लई ही सानू सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार दीआं इंटेंशनस ते डाउट है। अज आम आदमी पार्टी वालों प्रोटेस्ट किया गया, बड़ी भारी गिनती के प्रोटेस्ट किया गया, लगता है कि जानबूझ के ही दल खालसा जां सिख जथेबंदियों नूं निशाना बनाया जा रहा है। सारी दुनिया के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका दे विच देखो, उस अमेरिकन पुलिस ऑफिसर ने एक नागरिक की जान ली, पूरा देश सड़कों पर है, वाइट हाउस घेरिया होया लोगों ने। यूके दे विच लंडन दियां अथॉरिटीज़ ने सिख फैडरेशन यूके नूं इजाजत दे दित्ती है कि वो एतवार नूं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना मार्च कर सकते हैं, जेड़ा वो साडे वांग पिछले 36 साल तो कर रहे हैं। सो इत्थे की प्रॉब्लम है? इत्थे केवल सानू मार्च करन लई ही नहीं केवल रोकया जा रहा, देखो अकाल तख्त दे इकट्ठ होण नूं भी रोकया जा रहा। सो ये बड़ी वड्डी ये मंशा दसदी है केंद्र सरकार की। सो इत्थे श्रोमणी कमेटी नूं ते अकाल तख्त दे जथेदार नूं बोलना चाहिए। साडे वल्लों देखो उन्होंने मार्च ते पाबंदी लाती है, जे असी रजिस्ट करांगे जिद नाल कढांगे ते दोनों पासे झगड़ा होएगा और ये इंप्रैशन जाएगा कि असी लोकां दे हैल्थ नाल खिलवाड़ कर रहे हैं, असी संजीदा नहीं हाँ, असी अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझते। एक एक्सट्रा ऑर्डनरी दौर है, एक सधारण दौर नहीं चल रहा। महामारी करके बहुत लोग परेशान ने, मुसीबतां ते दुश्वारियां दा सामना कर रहे हैं। सो असी मार्च ते सवेरे नहीं कढांगे 5 तरीक नूं, पर साडे 5 जुम्मेवार सिंह शाम नूं दफ्तर तो अकाल तख्त साहिब ते चल के जाणगे, प्ले कार्ड्स फड़ के उत्थे जा के असी श्रद्धांजलि भी देंगे ते जिहड़े जून 84 घल्लूघारे दे शहीद ने उन्हां नूं उन्हां दे नमित अरदास भी करांगे। लेकिन जो बाहर हालात ने लोगों के उस हिसाब से लगता नहीं जी कि कोई भी करोना हैगा, सिर्फ लगता है कि इस 6 तरीक नूं टपाण वास्ते ही सारा कुछ किया गया। पूरे देश के लॉकडाउन खत्म कर दिता गया तो अनलॉक फेज चल रहा है, पर 6 तरीक नूं मुख रखते हुए ही 7 तरीक नूं धार्मिक स्थान खोलन की गल कही गई है। ये गल पता नहीं सिख लीडरशिप नूं कदों समझ आएगी कि 24 घंटे बाद धार्मिक स्थान खोले जा रहे हैं, 24 घंटे पहला क्यों नहीं खोले गए।